सीचेवाल मॉडल किसानों के लिए खुशहाली का राह। पंजाब का एक छोटा सा गांव है सीचेवाल। इस गांव में रहने वाले संत बलबीर सिंह सीचेवाल जी ने दूषित पानी को एक बार फिर से सही वर्तों में लाने वाला ऐसा मॉडल स्थापित किया है जिसकी चर्चा अब समूचे देश में होने लगी है। बाबा जी ने अपने गांव का पानी एक तालाब में एकत्रित किया और ट्रीट करने के बाद उसको खेती में लगाना शुरू कर दिया। इस मॉडल का मूल भाव ये है कि एक बार से बढ़ते हुए पानी को फिर से वर्तों में लाना। इसी मॉडल को सीचेवाल मॉडल कहा जाने लगा है। पानी जो कि हमारा जीवन का मूल आधार है, इसके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब पानी में थोड़ी सी भी गंदगी पड़ जाती है तो ये पानी पीने के लायक नहीं रह जाता। अगर इस पानी को कुदरती तरीके से साफ किया जाए, इससे इसको दोबारा वर्तों में लाया जा सकता है और इसके साथ साथ इसको खेती में प्रयोग किया जा सकता है। सीचेवाल गांव में किसान ऐसा ही कर रहे हैं। इसी विधि को सीचेवाल मॉडल कहते हैं। सीचेवाल मॉडल का इतिहास कोई इतना पुरातन नहीं है कि इसके बारे में कोई बात समझ ही ना आए। सीचेवाल मॉडल को बाबा जी सबसे सरल और सबसे सस्ता बताते हैं। इस मॉडल की स्थापना करने हेतु बाबा जी ने अपने गांव सीचेवाल का गंद 1999 में पानी एक तालाब में एकत्रित किया और इस पानी को तीन कुओं में से ऐसा घुमाया जिससे पानी की गंदगी के साथ साथ उसकी दुर्गंध भी समाप्त हो गई। असल में है क्या सीचेवाल मॉडल? गांव के समस्त पानी को एक जगह तालाब में एकत्रित किया जाता है। सबसे पहले एक बड़ी सी जाली लगाई जाती है जिससे पानी में तैरती हुई वस्तुएं वहीं पे रुक जाती हैं। फिर इस पानी को तीन छोटे छोटे कुओं में से घुमाया जाता है। पहले कुएं में जो गार होती है वह वहीं पे रुक जाती है। दूसरे कुएं में से तैरने वाली सभी वस्तुएं वहीं पे रुक जाती है और चिकनाहट वाले पदार्थ भी अलग हो जाते हैं। तीसरे कुएं में से पानी का लेवल बराबर किया जाता है। यहाँ से पानी को तालाब में दोबारा डाल दिया जाता है। तालाब में इकट्ठे हुए पानी पे जब सूर्य की किरणें पड़ती है तब पानी सूर्य प्रक्रिया अर्थात ऑर्बिक क्रिया से कुदरती ढंग से पानी साफ होता रहता है। इस तालाब के किनारे पर मोटर लगाई जाती है। यहाँ से ये पानी खेतों तक पहुँचाया जाता है। सीचेवाल मॉडल के लाभ। दूषित पानी की सही वर्तों करने से सबसे अधिक लाभ तो पर्यावरण को होता है। दूषित पानी के खेतों में जाने से हमारा इर्द गिर्द साफ रहता है। फसलों के लिए किसानों को खाद कम डालनी पड़ती है, इसीलिए किसानों का खर्चा भी कम हो जाता है। धरती के निचले पानी की और बिजली की भी बचत होती है। सीवरेज डालने से गांव में मक्खी मच्छर कम हो जाते हैं जिससे बीमारियां भी कम फैलती हैं। सीचेवाल दा तुसी सप्पड़ कह लो ट्रीटमेंट प्लांट कह लो ये देख रहे हैं। ये 1996 दे विच सीचेवाल दे विच सारा सीवरेज सिस्टम पाया गया। पिंड दे सेंटर विच सप्पड़ सी, ये पानी पिंड तो बाहर लैके आंदा। साडे कोल थोड़ा जगह सी, असीं तुहानूं पहलां दिखा चुके हां कि तीन हौद बने आ जिन्हां दे विच पानी आ के एक विच मिट्टी जिहड़ी है रह जांदी आ, दूसरे विच तरन वाली चीज़ आ जांदी आ, तीसरे विच दी पानी हो के मेन पौंड दे विच चले जांदा। ते मेन पौंड तों उहदे आपोजिट इक मोटर लाई हुई आ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੈਪ ਪਾਏ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਪੈਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਲੀਆਂ ਰਿੰਗ ਟੈਪ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਸਪੈਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਿਚਵਾਰ ਮਾਡਲ ਕੋ ਅਬ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੀ ਮੇ ਏਕ ਸੂਬਾ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਕੇ ਆਦਰਨੀਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2017 ਕੋ ਸਿਚਵਾਰ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਾ ਦੌਰਾ ਕੀਆ ਥਾ ਔਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਕਾ ਬਾਰੀਕੀ ਸੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸੀਵੇਜ ਵਾਟਰ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇ ਲੀਏ ਇਨਹੋਨੇ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਕੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਤੌਰ ਪਰ ਨਾ ਕਿਸੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਥੀ ਦੇਖਨੇ ਕੀ ਖੁਦ ਵੀ ਤੋ ਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਔਰ ਜੋ ਸਭਸੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਹੋਨੇ ਕੀਆ ਹੈ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਸੇ ਕੀਆ ਹੈ ਅਨੁਭਵ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਹੋਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕੀਆ ਤੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਹੈ ਹਮ ਬਿਹਾਰ ਕੇ ਹਰ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਨਾਲੀ ਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਡਰੇਨੇਜ ਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੋ 7 ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੈ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹਰ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਪੱਕੀ ਗਲੀ ਔਰ ਨਾਲੀ ਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋ ਘਰ ਕਾ ਜੋ ਸੀਵੇਜ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੋ ਯੇ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗਾਓਂ ਕੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸੀਵੇਜ ਕਾ ਡਰੇਨੇਜ ਕਾ ਉਸਕੋ ਕੈਸੇ ਔਰ ਕਹਾਂ ਉਸਕੋ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਤੋ ਜਬ ਇਨਹੋਨੇ ਔਰ ਇਸੀ ਸਮੇਂ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਜਸਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਂਡ ਮੇਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤੋ ਜਬ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤੋ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਬੜੀ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਆਏ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹਮਾਰੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਲਨ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹਮਾਰੇ ਫਿਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹ ਕਾਮ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਵੀ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾ ਕਾਮ ਜਾਂ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾ ਕਾਮ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਰਬਨ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਭ ਲੋਕ ਸਾਥ ਮੇਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ ਚੂੰਕਿ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਕੋ ਦੇਖਣਾ ਥਾ ਔਰ ਹਰ ਬਿੰਦੂ ਪਰ ਇਨਸੇ ਹਮਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀ ਔਰ ਇਨਹੋਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਤਾਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਨਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਥੀ ਔਰ ਇਸਕਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੁਕਾ ਹੁਆ ਥਾ ਉਸ ਨਦੀ ਕੋ ਇਨਹੋਨੇ ਫਿਰ ਸੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਨਦੀ ਕਿਤਨੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਸੇ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 14 ਵਰਸੋਂ ਤੱਕ ਉਨਕਾ ਵਾਸ ਯਹੀ ਹੁਆ ਔਰ ਯਹੀ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਕਰ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਤਬ ਉਨਕੇ ਮੁਖ ਸੇ ਜੋ ਬਾਤ ਨਿਕਲੀ ਵਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋ ਇਹ ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਦੀ ਕੋ ਫਿਰ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੇਂ ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੈਂ ਬਧਾਈ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਕਾਮ ਉਨਹੋਨੇ ਕੀਆ ਹੈ ਪਰਿਆਵਰਨ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਮ ਲੋਗ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਮਾਰਾ ਜਨਮ ਹੁਆ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਹਾਰ ਕੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ
जो गंगा नदी की स्थिति होती चली जा रही है, और केंद्र सरकार तो उसके स्वच्छता की बात करती है, लेकिन हम लोगों की दृढ़ मान्यता है कि अविरलता को बरकरार किए बगैर अकेले स्वच्छता की बात करना सफल का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। तो एक नदी जो 160 किलोमीटर के करीब लंबाई में है, और उस नदी के प्रवाह को फिर से जीवित करना अपने आप पे बड़ी बात है। कितना कचरा जमा था, कई शहरों का, कई गांवों का पूरा गंदा पानी एक नाले की तरह इसमें चला आता था, और उन सब चीज़ों के चलते नदी का प्रवाह प्रभावित हो गया था। तो उसको उन्होंने स्वयं सब लोगों का सहयोग लेकर कार सेवा करते हुए नदी के कचड़े को साफ किया, फिर जिस ढंग से प्रवाह हुआ है, और अलग अलग जगहों पर जो इन्होंने अपना एक अपने गांव से ही शुरू किया, सिचेवाल गांव से, कि किस तरह से घर घर के पानी को निकाल कर एक जगह लाकर उसको तीन पाइप से तीन स्थानों पर ले जाकर कैसे उसको सिंचाई के लायक बनाया जा सकता है, और किस तरह से ऐसे गंदे नाले के पानी से गंदगी दूर हो जाती है, उसका दुर्गंध खत्म हो जाता है, ये जीता जागता प्रमाण इन्होंने दिखाया है। और हम लोगों की दिलचस्पी इसी विषय में थी, इसी को देखना चाहते थे। तो एक पर्यावरण के प्रति एक जागृति लाने का काम इन्होंने अपने कर्म से किया। एक होता है लोग जुबान से बोलते हैं कि भाई ये करना चाहिए या उपदेश देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने तो भाई करके दिखाया है, और इसलिए इनके प्रति मेरे मन में सम्मान का भाव है, और मुझे आकर के यहाँ बहुत खुशी हुई, और मैं अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी जगह पर आकर देखने का और उस स्थान पर आने का मौका मुझको मिल गया। हम कहाँ से आए हैं जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ, और कहाँ आ गए जहाँ गुरबाणी से, जहाँ से गुरबाणी निकली, गुरु नानक देव जी के स्थान पर आए, इसको भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। तो ये जो ड्रेन का सीवरेज का पानी है, अगर उसका इस्तेमाल सिंचाई के पर्पस के लिए हो सकता है, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। तो यही तो मॉडल हम देखने आए, और हमारे अधिकारीगण भी आए, और भी इसके बाद जो लोग नीचे स्तर पर इन सब चीज़ों को क्रियान्वित करते हैं, वैसे लोगों को भी हम लोग भेजेंगे, ताकि कहीं कोई किसी प्रकार की गलतफहमी न रह जाए। और इनका जो प्रयोग है और जो व्यावहारिक तौर पर कामयाब हुआ है, उसको हम लोग इसलिए देखने आए हैं कि यह एक कामयाब प्रयोग है। इस मॉडल को बिहार के भी अनेक हिस्सों में जहां अपनाया जा सकता है, इसी दृष्टिकोण से, इसलिए हमने आपको कहा कि हमारे अधिकारीगण भी मेरे साथ हैं, उन सब लोगों ने देखा है, और आवश्यकता पड़ने पर जिन लोगों को क्रियान्वित करना है, वैसे लोगों को भी यहाँ एक एक चीज को समझने के लिए भी भेजेंगे। अपने ही गांव में स्थापित किए गए इस मॉडल के बारे में बाबा जी को पूरी तरह ज्ञान था। खेती के लिए उपयोग में लाए जा रहे इस गंदे पानी को वैज्ञानिक प्रमाण सामने आने के बाद ही बाबा जी ने इसका प्रचार किया। बाबा जी को इसका प्रचार करने में 3-4 वर्ष लग गए थे। बाबा जी ने हार नहीं मानी और इस तालाब का पानी खेतों में से कैसे पहुंचाया जाए, इसी काम में लग गए। बिजली का प्रबंध ना होने के कारण बाबा जी ने ट्यूबवेल इंजन की मदद से इस कार्य को पूरा किया और तालाब का पानी खेतों में पहुंचाया।
साल 2004 में इस तालाब को पक्का करने का काम शुरू किया गया। गांव में ये मॉडल स्थापित किए जाने का मतलब यही था कि ऐसा करने से ही बाबे नानक की पवित्र वही को साफ किया जा सकता है। पवित्र वही की कार सेवा दौरान ही ये काम शुरू कर दिया गया था। जिन जिन गांव का गंदा पानी वही में डाला जा रहा था उसको रोका जाए। ये तजर्बा सफल रहा। इस प्रकार शहरों का पानी कैसे नदी में जाने से रोका जाए ये काम भी बाबा जी ने करके दिखाया। सुल्तानपुर लोधी का गंदा पानी नदी में गिरता था, उसको रोका गया और 13 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का इस ट्रीट किए हुए पानी को किसान अपने खेतों में डालने लगे। देश की कौमी नदी गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने सीचेवाल मॉडल का चुनाव किया है। ऐसा करने से पंजाब का सिर फकर से ऊंचा हुआ है। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। गंगा अब दुनिया की सबसे दूषित माने जाने वाली नदियों में शामिल हो चुकी है। ये बहुत दुख की बात है। गंगा नदी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने पहले हॉलैंड, सिंगापुर और इंग्लैंड जैसे देशों का मॉडलों का अध्ययन किया था। 25 अगस्त 2015 को केंद्रीय जल स्रोत मंत्री कुमारी उमा भारती जी ने सीचेवाल गांव का और सुल्तानपुर लोधी का भी दौरा किया। उमा भारती ने सीचेवाल और सुल्तानपुर लोधी का गंदा पानी ट्रीट कर खेती में लगता खुद देखा। पवित्र वहीं के निर्मल हुए पानी को उन्होंने किश्ती द्वारा उसकी गुणवत्ता को भी देखा था। केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी ने ये मॉडल देखकर और इसके बाद ऐलान किया कि बाबे नानक की नदी को गंगा की सफाई के लिए गुरु स्थान मानती है। ये आधुनिक युवा जमाने के तीर्थ हैं। ऐसे स्थान गांव पर भी मैंने देखा और यहाँ भी देखा। हमारे मंत्रालय को 3 मैंडेट मिले हुए हैं, वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुविनेशन, और यहाँ हमको तीनों चीज़ें देखने को मिली। तो हमारे पूरे मंत्रालय के लिए ये एक प्रकार से गुरु स्थान हो गया। वाटर रिसोर्स में यही है कि पानी को रोकना कैसे, बचे हुए पानी को उपयोग कैसे करना और उसको प्रदूषित होने से कैसे रोकना। रिवर डेवलपमेंट हमने साक्षात देखा ही है और गंगा रिजुविनेशन भी इसी में से है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि हमारे वाटर रिसोर्स मंत्रालय के लिए एक प्रकार से ये गुरु स्थान हो गया है। और भविष्य में हम किस प्रकार से यहाँ से सीख सकते हैं, इसके रास्ते हम निकालेंगे, सीखेंगे। संत जी को बहुत साल लगे हैं, उनकी बड़ी तपस्या लगी, इसमें बहुत लोग का सहयोग लगा, संतों का, जो आस्थावान लोग हैं उन लोगों का। लेकिन एक बार कोई चीज़ बन जाती है तो फिर उसकी नकल करने में समय नहीं लगता, बनाने वाले को ही पूरी तपस्या लगती है, ओरिजिनल बनाने वाले को, फिर बाकी अगर उसको ठीक से फॉलो करते जाएं। इसलिए मैं बहुत ध्यान से संत जी की बातें सुन रही थी, मैं लगभग नहीं बोल रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि इसको हम कैसे अडॉप्ट कर लें, पूरे देश के लोगों तक हम कैसे ये बात पहुंचा दें कि यहाँ क्या हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा है और मेरे मंत्रालय के लिए एक प्रकार से ये प्रेरक स्थान हो गया है। आओ सीचेवाल मॉडल स्थापित करने के लिए मार्गदर्शक बनी पवित्र कालीवेई के इतिहास के बारे में जानते हैं। पवित्र कालीवेई सुल्तानपुर लोधी ऐतिहासिक नगर के पास में बहती है। ये वो नदी है जिसमें डुबकी लगाकर श्री गुरु नानक देव जी 3 दिनों बाद धुर की बानी लेकर आए थे। वेई में बाहर आकर
गुरु साहब जी ने इस संसार को एकमकार का सुनेहा दिया था। गंदगी के कारण गंदे नाले का रूप ले चुकी सिख विरासत की ये नदी अपनी आखिरी सांसों पे चल रही थी। साल 2000 को संत बलबीर सिंह सिचेवाल की कमान के दरमियान इस कार सेवा ने इसकी नुहार ही बदल दी। इस नदी की सफाई की कामयाबी का एक ही राज है कि बाबा जी ने लोगों को साथ लिया और उनमें ये चेतना पैदा की, अगर इस नदी को नहीं बचाया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। लोग साथ आ गए और देखते ही देखते बाबे नानक की नदी बहने लगी। टाइम मैगजीन ने भी इस नदी की फिर से बहने की चर्चा की और बाबा जी को वातावरण का हीरो माना है। लोगों को साथ लेकर हम देश की समस्त नदियों को प्रदूषण मुक्त करवा सकते हैं। आइए देश का भविष्य बदलें और नदियों को साफ रहने दें।